हेलो गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। जैसा कि आपने थंबनेल में जान ही लिया है, क्लास थर्ड मैथ में ज्योमेट्री सब्जेक्ट से मैं एमटीजी बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूं ओलंपियाड एग्जाम में। चलिए इसमें हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेन शेप एंड सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स एंड सॉलिड, काउंटिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स सॉलिड एंड फिगर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ लाइन सेगमेंट एंड रेज, मेजरिंग द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ प्लेन फिगर्स। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं वापस से लाइन एंड शेप की एक बार रिविजन करवा देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, लाइन एंड शेप के अंतर्गत दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज जिगजैग लाइन, दिस इज कर्व लाइन, दिस इज ऑल्सो कर्व लाइन, दिस इज स्लैंटिंग लाइन, दिस इज हॉरिजेंटल लाइन एंड ऑल्सो कॉल्ड स्लिपिंग लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन एंड ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन। नेक्स्ट अब हम शेप देखेंगे। दिस इज सर्कल, दिस इज ट्रायंगल, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज ओवल शेप एंड दिस इज स्क्वायर। तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन मैथमेटिकल रीजनिंग से, विच इज द फॉलोइंग शेप, दिस विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज मिसिंग इन द गिवन फिगर। इस फिगर में इन शेप में से कौन से शेप मिसिंग है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। दिस इज रेक्टेंगुलर शेप, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो गया और ये दोनों रेक्टेंगल हो गया। तो कौन सा शेप इसमें मिसिंग है, सर्कल शेप मिसिंग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉर्नर डज द फिगर गिवन फिगर्स, इसमें कितने कॉर्नर्स हैं ये हमें काउंट करना है। तो ये हमारा कॉर्नर हो जाता है 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8 के बाद हम देख लेते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 16, फिर 16 हो गए, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये हो गए 23, ये हो गए 24, 25 और ये हो गए 26। तो टोटल नंबर्स ऑफ कॉर्नर इस प्रकार हमें काउंट करके लिखना है। ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर हो रहा है हमारा यहाँ यहाँ इस तरह, तो ये करीब 36 है। तो टोटल ये काउंटिंग करके 36 नंबर्स आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी, नंबर्स ऑफ कॉर्नर लेफ्ट हाफ। इधर अगर हम हाफ ऑफ कर लें, इसको हम इस प्रकार भी काउंटिंग कर सकते हैं, दोनों को हाफ कर दे, ये हो जाता है लेफ्ट और ये हो जाता है राइट। तो ये देखिए कॉर्नर्स हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, this is 17, 18। तो ये टोटल कितने हो गए, 18, और इधर के भी 18 हो जाएंगे, तो 18, 18, 36। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन फिगर इज, कितने स्ट्रेट लाइन है ये हमें देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9 हो गए 10, 11। तो करेक्ट आंसर कितने हो गए, ऑप्शन बी 11। इस तरह कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये हो गया 11। तो टोटल 11 लाइन हो गए यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 11। डायरेक्शन 4 एंड 5 क्वेश्चंस के लिए, क्यूब, दिस इज अ क्यूब, हाउ मेनी ऑफ दीज क्यूब्स आर नीडेड टू मेक द फिगर्स शोन। इस फिगर्स में कितने क्यूब्स हैं, चलिए काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ये देखिए, ये पूरा एक क्यूब हो रहा है, तो दिस इज 12. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 12. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. 5 में इस क्यूब्स में कितने क्यूब हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5. करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, 5 क्यूब है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. नंबर द स्ट्रेट लाइन नीडेड टू मेक द शेडेड गिवन फिगर. नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन नीडेड टू मेक द शेडेड फिगर. शेडेड फिगर्स में कितने स्ट्रेट लाइंस हैं ये हमें काउंट करके लिखना है. तो चलिए देख लेते हैं शेडेड में कितने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये हो गए. चलिए इसको फिर से काउंट करते हैं. ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12. तो कितने इसमें लाइंस हमें लेने थे, तो इसमें स्ट्रेट लाइन कितने हो गए, 12. तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोन. इसमें से कोन का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोन. नेम ऑफ द शेप ऑफ शेडेड फेस. ये शेडेड फेस है, ये कौन सा शेप है, स्क्वायर, पेंटागोन, सर्कल या ट्रायंगल. तो ये क्या हो रहा है, दिस इज स्क्वायर. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ दिस हैव एग्जैक्टली 5 कॉर्नर्स. किसमें 5 कॉर्नर्स हैं एग्जैक्टली. इसमें कोई भी कॉर्नर्स नहीं है. इसमें 1, 2, 3, 4 हो रहे हैं. इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसमें कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5. तो एग्जैक्टली 5 कॉर्नर्स, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब इसमें है, देयर आर स्लैंटिंग लाइंस इन द गिवन फिगर. इसमें ध्यान दीजिए, स्लैंटिंग लाइन पूछा जा रहा है. तो यहाँ पर दिस इज स्लिपिंग लाइन और दिस इज स्लिपिंग लाइन, दो यहाँ पर स्लिपिंग लाइन है. तो इसको हम काउंट करते हैं कि कितने स्लैंटिंग लाइन है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, and 28. तो कितने हो गए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 28. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. There are triangles in the given figures. 12, 16, 9 या 13. तो इसमें हमें देखना है कि कितने ट्रायंगल्स दिए गए हैं. चलिए इसमें ट्रायंगल्स हम देख लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. 10 हो गए, फिर 10. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर का कौन सा बेस्ट एग्जांपल है, तो दिस इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द ऑब्जेक्ट इन द ग्रुप्स. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हाउ टू ऑब्जेक्ट्स इन द ग्रुप आर लाइक. शेप्स, कलर, साइज या वेट. कौन सा सही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेप. ये सभी सेम शेप, स्टार शेप्स के हैं, तो इसके लिए एडजेक्ट ग्रुप लाइक हो जाएगा स्टार शेप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. हाउ मेनी कॉर्नर पॉइंट्स आर देयर इन द फिगर. इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये हमें देखने हैं. इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो हाउ मेनी कॉर्नर पॉइंट्स आर देयर इन फिगर. इसमें देख लेते हैं कितने हैं.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ये 12 कॉर्नर हो रहे हैं, इन सब के कॉर्नर के दो दो कॉर्नर हो रहे हैं, तो कितने हो गए 12 × 2, 24. करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर. इसमें कितने ट्राइंगल्स दिए गए हैं. चलिए इसको पहले हम काउंट करते हैं कितने ट्राइंगल्स है. पहले शेडेड पार्ट को काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. फिर वाइट पार्ट को 6 के बाद 7, 8, 9, 10. अब हम 10 के बाद फिर एक ट्राइंगल हो गया 10, 11 और ये 12. फिर इसी प्रकार 13 और ये एक ट्राइंगल हो गया 14. तो करेक्ट आंसर क्या हो रहा है ऑप्शन डी 14. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी फेसेस डज द गिवन फिगर है. इसमें फिगर में फेसेस को कितने फेसेस हैं. हाउ मेनी फेस डज गिवन फिगर है, कितने फेसेस शो हो रहे हैं. तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं. चलिए इसमें हमें फेसेस ड्रॉ करना है, फेसेस बताना है कितने फेसेस हैं. तो यहाँ पे हमने नेम लिख लिए हैं, तो चलिए इस तरह हम देख लेते हैं. पहला हो रहा है ए बी सी डी, ये एक फेस हो गया ए बी सी डी, यहाँ पे हम लिखते जाते हैं ए बी सी डी. दूसरा हमारा हो जाता है डी जी एच सी, डी जी एच सी, डी जी एच सी. फिर तीसरा हो जाता है ए बी एफ ई, ए बी एफ ई. एंड नेक्स्ट फिर हो जाएगा ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ये कॉर्नर हो जाएगा. तो ई एफ जी एच. नेक्स्ट हो जाएगा ए एफ, ए एफ जी और डी, ये वाला फेस. ठीक है, तो ये हो गया ए एफ जी डी. एंड नेक्स्ट हो जाएगा बी ई सी एच, बी सी ई एच, बी ई सी एच. तो कितने फेसेस हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी 3 फेसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर. इसमें हमें काउंट करके बताना है कि कितने ट्राइंगल्स हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 23. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. विच शेप कैन बी फेस ऑफ क्यूबिट. क्यूबिट का जो ये फेस है, कौन सा फेस शो हो रहा है इसमें. तो ये फेस हमारा सामने से फेस शो हो रहा है, ये सामने से फेस हो रहा है. कौन सा शेप है, जैसे ये रेक्टेंगल. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 13. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच कुड बी वन ऑफ द फेसेस ऑफ ए सिलेंडर. इसमें से कौन सा फेस जो है सिलेंडर का दिखता है, बोथ ए और बी, ए बी या सी. तो सिलेंडर के फेस हमारे कैसे होते हैं, इस प्रकार के होते हैं. ठीक है, इस प्रकार के फेस होते हैं. तो इसमें हमारा रेक्टेंगल और सर्कल दोनों यूज हो रहा है, तो बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट, एवरीडे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है. नंबर 1, कोमल पुट सम शेप्स इनटू द ग्रुप सो यूजिंग द रूल्स ऑल साइड ऑफ द शेप्स आर द सेम लेंथ. विच शेप आल्सो सीन द बिलोंग टू हर ग्रुप्स. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्वायर. स्क्वायर में ऑल साइड्स के लेंथ सेम होते हैं, तो ये इसके अकॉर्डिंग हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ए बास्केटबॉल कोर्ट इज़ अ लाइक ऑफ रेक्टेंगल 20 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड.
तो व्हाट इज़ द टोटल सम ऑफ लेंथ एंड बर्थ, टोटल लेंथ एंड बर्थ क्या हो गए ये हमें देखना है। तो सम ऑफ लेंथ क्या हो रहे हैं, 20 + 20 इसकल टू 40 सेंटीमीटर हो रहे हैं, और लेंथ ये हो गया, और बर्थ हो रहा है हमारा 10 + 10 इसकल टू 20 मीटर। तो टोटल हमारा लेंथ एंड बर्थ कितने हो गए, 40 + 20 इसकल टू 60 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सुमन वेंट टू ड्रॉ द सर्कल विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स, कौन से ऑब्जेक्ट से वह जो है सर्कल ड्रॉ कर सकती है। इज द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट सी कैन यूज ओनली पी, बोथ पी एंड क्यू, बोथ पी एंड आर, बोथ क्यू एंड आर। करेक्ट आंसर है डी, बोथ क्यू एंड आर, दोनों से वो सर्कल ड्रॉ कर सकती है। यहाँ से भी सर्कल हो जाएगा और इससे भी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ए प्ले ग्राउंड इज द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ प्ले ग्राउंड इन 32 मीटर, द फाइंड द लेंथ ऑफ साइड, ऑल साइड स्क्वायर्स आर इक्वल सम, सो 32 डिवाइडेड बाई कितने सम सॉल्व प्ले सम स्क्वायर, द ऑल साइड्स ऑफ प्ले ग्राउंड इज 32, तो फाइंड ऑफ लेंथ हो जाएगा। तो इसमें हमें 32 से 8 को हम डिवाइड करेंगे, स्क्वायर की साइड्स कितनी होती है 4, इस 4 साइड्स होते हैं, तो 8 प्लस यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 4 = 32, या फिर हम 8 + 8 + 8 + 8 लेंगे तो ये भी 32 हो जाएगा। ये स्क्वायर का शेप है और 4 साइड 8 सेंटीमीटर हो रहा है, तो प्लेग्राउंड फॉर्म स्क्वायर, द फॉर्म ऑफ साइड्स ऑफ प्लेग्राउंड इज 32, तो ये लेंथ हो जाएगा हमारा क्या, 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार इसको हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे 32 को 4 से, क्योंकि 4 साइड्स हो रहे हैं स्क्वायर में, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8, या फिर हम इसको इस तरह भी हम निकाल सकते हैं, 8 + 8 + 8 इसका टू 32 हमको वापस प्राप्त हो गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 32। देयर थ्री टाइप्स ऑफ जूस पैकिंग आर अवेलेबल इन द शॉप, गीता वॉन्ट टू बाई जूस विथ सिलेंड्रिकल शेप पैकिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग जूस पैकिंग सी कैन बाई, इसमें से सिलेंड्रिकल शेप जो है वो जूस गीता जो है बाई करती है, तो इसमें से सिलेंड्रिकल शेप कौन सा है, ऑप्शन क्यू, क्यू जो है सिलेंड्रिकल शेप में, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए क्यू। नेक्स्ट अचीवर सेक्शन से आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्क्वायर इन अ ट्रू, टू साइड्स ऑफ लॉन्गर देन द अदर टू साइड्स, रॉन्ग है, स्क्वायर का सेप हमारा क्या हो जाता है, 4 साइड्स इक्वल होते हैं, यानी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, 1 साइड इज शॉर्टर देन, नो, ऑल 4 साइड्स आर द डिफरेंट लेंथ, नो, ऑल 4 साइड्स आर द इक्वल लेंथ, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग शेडेड फेस ऑफ नेम ऑफ द सेम, इसमें से सेडेड फेस कौन सा हो रहा है, इसको हमें इसमें से हमें मैचेस करना है, ओनली सेडेड पार्ट का ध्यान में रखकर करना है, तो ये हमारा हो गया, दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर शेप हो रहा है सेडेड पार्ट, एंड दिस इज ट्रायंगल, नेक्स्ट दिस इज एस सर्कल, एंड दिस इज रेक्टेंगल, तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो रहा है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, ए क्यूब हैज 6 फेसेस, बी अ क्यूबिड हैज 8 कॉर्नर्स, सी अ स्पेयर हैज नो कॉर्नर, और डी अ सिलेंडर हैज 4 फेसेस। तो इनकरेक्ट ऑप्शन है आंसर डी, डी इज द इनकरेक्ट, बिकॉज सिलेंडर हैज 3 फेसेस, कितने फेस होते हैं इसके, 3 फेस होते हैं, 4 फेस नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑन द बेसिक ऑफ गिवन फिगर, अब यहाँ पे दिया गया नंबर ऑफ स्टैंडिंग लाइन
18, numbers of slipping line 12, number of slanting line 15, all of this. तो गिवन फिगर करेक्ट ऑफ द बेसिक ऑफ गिवन, इसमें से हमें काउंट करके देखना है कि करेक्ट कौन सा है. तो यहाँ पर मैं आपको करके बता देती हूँ.